नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आई हूँ आपके लिए देश दुनिया की बड़ी खबरें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशा निर्देश 2022 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत चैनलों के लिए राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित में कंटेंट प्रसारित करना अनिवार्य हो गया है। नए दिशा निर्देशों के तहत हर दिन कम से कम 30 मिनट का समय लोक सेवा और राष्ट्रीय हित से संबंधित कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए दिया जाना है। इस तरह के कंटेंट के निर्माण के लिए चैनलों को 8 थीम दी गई है। ये नए दिशा निर्देश 9 नवम्बर 2022 से प्रभावी है। हालांकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि चैनलों को इस तरह के कार्यक्रमों का कॉन्सेप्ट सोचने और उनके निर्माण के लिए समय दिया जाएगा। गाइडलाइन में कहा गया है, एयरवेव्स फ्रीक्वेंसी सार्वजनिक संपत्ति है और समाज के सर्वोत्तम हित में उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे में एक कंपनी के पास इन दिशा निर्देशों के तहत किसी चैनल को अपलिंकिंग करने और भारत में इसकी डाउनलिंकिंग के लिए अनुमति है। चैनलों को चाहिए कि वो राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता के विषयों पर एक दिन में कम से कम 30 मिनट के लिए कार्यक्रम का प्रसारण करें। इन विषयों में शिक्षा और साक्षरता का प्रसार, कृषि और ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी शामिल है। दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने एक फार्मा कंपनी के हेड सहित 2 लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। एनडीटीवी के मुताबिक अरविंदो फार्मो की प्रबंधक निदेशक शरद रेड्डी को ईडी ने दिल्ली के शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया। दिल्ली के शराब घोटाले में ये दूसरी गिरफ्तारी है। गिरफ्तार किए गए दोनों व्यापारियों में से एक हैदराबाद से है और दूसरा तेलंगाना से बिलोंग करता है। गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने अरबिंदो फार्मा के निदेशक पी शरद चंद्र रेड्डी को राष्ट्रीय राजधानी के लिए उत्पाद नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में गिरफ्तार किया है। फिलहाल उसे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पूछताछ की जा रही है। रेड्डी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्नातक हैं, वहीं दूसरी पीढ़ी के बिजनेसमैन और प्रमोटर ग्रुप से संबंधित हैं। उन्होंने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में जनरल मैनेजमेंट और स्पेशलिटी का एक्सपीरियंस किया है। गुजरात में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर 2022 को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने इशुदान गढ़वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। वहीं आप ने बुधवार को घोषणा की कि उसकी गुजरात इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया सूरत के कटारगाम निर्वाचन क्षेत्र से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर भाजपा के पास इस बार टिकट के दावेदारों की भरमार है। भाजपा ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, जबकि कांग्रेस ने कपिलेश बरिया को मैदान में उतारा है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के तहत वर्गीकृत प्रजापति समुदाय से हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।